So let us move ahead in vectors, and now we have to see product of vectors. So scalar product, or it is also known as dot product. अब इसके काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, ये क्यों आता है, प्रैक्टिकली कैसे, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। इसके पहले प्योर जो डेफिनेशन है उनमें जाते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और फिर इसके सम्स देखते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग वेक्टर के एप्लीकेशंस देखेंगे उसमें आपको इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्लियर होते जाएगा। ठीक है, नाउ अ वेक्टर ए बार एंड अ वेक्टर बी बार, व्हेन यू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस डॉट, सो डॉट प्रोडक्ट, इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। तो थीटा एंगल क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, वेक्टर ए बार एंड वेक्टर बी बार। बिकॉज ये एक स्केलर टर्म है, ये एक स्केलर टर्म है और एक स्केलर टर्म है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी रखा जाता है। हियर दिस एंगल थीटा लाइज बिटवीन 0 to π। इसका मतलब अगर आप लोअर एक्सट्रीम लेते हो तो ए बार ऐसा है, बी बार भी ऐसा है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 degrees का है या 0 radians का है। एंड अगर ए बार ऐसा है एंड बी बार ऐसा है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज़ पाई। तो 0 to π इसका एंगल होता है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए बार एंड बी बार और उनके बीच का एंगल आपको चाहिए थीटा, तो आप इस डेफिनेशन से निकाल सकते हो कॉस थीटा इज ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए बार मैग्नीट्यूड बी बार। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। इफ दिस थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 या थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू का केस बाद में देखेंगे। मान लो थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 लेस देन π/2, देन व्हाट विल हैपन इज दिस टर्म इज पॉजिटिव, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दिस टर्म इज पॉजिटिव एंड यू हैव ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इज पॉजिटिव। अब बिकॉज ये पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म होता है, इसका मतलब डायरेक्टली ए बार डॉट बी बार इज पॉजिटिव। तो जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 0 और π/2 के बीच में है तो ए बार डॉट बी बार पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 के बराबर है सो कॉस 90 0 होता है, यहाँ से हमको मिलेगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। एंड अगर थीटा π/2 से एक्सीड कर गया, इफ थीटा इज ग्रेटर दैन π/2 लेस देन और इक्वल टू पाई, तो ये जो टर्म है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए, ए बार डॉट बी बार इज नेगेटिव। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीन वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स, दे आर आई जे एंड के। तो आई बार डॉट आई बार ये होता है 1। अगर आप डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन लगाओ, इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम जे बार डॉट जे हैट इज इक्वल टू 1, के हैट डॉट के हैट इज 1। एंड अगर आप आई हैट डॉट जे हैट निकालते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस 90 इज 0। सिमिलरली जे डॉट के दिस इज 0 एंड आई डॉट के दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स है, उनका डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशंस ऐसा होता है। सिमिलरली इफ़ यू हैव ए बार वेक्टर एस ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, बी बार इज इक्वल टू बी वन आई बी टू जे एंड बी थ्री के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू। अब इनका डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली जब आप लगाते हो तो वो आता है ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री,
तो कॉस थीटा यहाँ से निकल के आएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए। ये मैग्नीट्यूड ए नीचे शिफ्ट करेंगे, मैग्नीट्यूड बी नीचे शिफ्ट करेंगे। मैग्नीट्यूड ए क्या है, मैग्नीट्यूड ए है ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड बी, दैट इज रूट ऑफ बी वन स्क्वायर बी टू स्क्वायर बी थ्री स्क्वायर। कार्टिशियन डॉट प्रोडक्ट ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कॉस थीटा का एंगल हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस हमने 11th स्टैंड में भी देखा था। लेट्स से यू हैव अ वेक्टर बी बार और ये वेक्टर है ए बार, तो ए से अगर आप बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये वाला जो लेंथ होता है, दिस लेंथ इज नोन एज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। अब मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये जो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार है, ये लेंथ, ये क्या है, अच्छा ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और ये है एडजेसेंट साइड, तो ये साइड का लेंथ क्या होगा, हाइपोटेनस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा, ये आता है। अब आप क्या करोगे, ए बार डॉट बी हैट निकालो, ये ए वेक्टर का इसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, सो इट इज़ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी हैट कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड बी हैट वन होगा, सो मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा। देखो दोनों सेम है, तो यहाँ से क्या समझ में आया, अगर आपको एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे चाहिए, सो इट इज़ इक्वल टू ए बार डॉट बी हैट, ए बार इसका डॉट प्रोडक्ट इसके यूनिट वेक्टर के साथ। ये तो प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड आ गया। मान लो आपको प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए, सो प्रोजेक्शन वेक्टर अगर अपने को चाहिए, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, अब इसकी डायरेक्शन के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बार डॉट बी हैट इंटू बी हैट इंटू बी हैट, सो दिस इज वेक्टर प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन और ये वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो गया। अब आपको जो समझना है दैट इज 3D ज्योमेट्री, ये एक चैप्टर है अपने आप में, एक चैप्टर था, अब ये मर्ज हो गया है वेक्टर्स के साथ, तो 3D ज्योमेट्री के कंसेप्ट अब हमको देखने हैं। सो कंसिडर थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, सो ये है आई हैट एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जे हैट एंड दिस इज जेड एक्सिस विच इज के हैट। सपोज करो कि यहाँ पे एक वेक्टर है ओ पी एंड इस OP का जो एंगल है X एक्सिस के साथ दैट इज़ अल्फ़ा, Y एक्सिस के साथ जो है दैट इज़ बीटा एंड Z एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट इज़ गामा। तो इस अल्फ़ा बीटा गामा को बोला जाता है डायरेक्शन एंगल्स, और अगर आप इनका कॉस लेते हो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दिस इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ इफ यू फर्दर एक्सटेंड दिस लाइन, ये जो लाइन है ओपी उसको अगर आप इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो तो ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल कितना होगा पाए माइनस अल्फ़ा, ये बीटा है तो ये वाला एंगल होगा पाए माइनस बीटा, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, और अगर ये एंगल गामा है तो ये एंगल होगा पाए माइनस गामा। मतलब अगर किसी के डायरेक्शन एंगल्स अल्फ़ा बीटा गामा है तो पाए माइनस अल्फ़ा भी होगा, पाए माइनस बीटा भी एंगल होता है, पाए माइनस गामा भी एंगल होता है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, कॉस पाए माइनस अल्फ़ा कॉस पाए माइनस बीटा कॉस पाए माइनस गामा, ये भी उसके डायरेक्शन एंगल कोसाइंस होंगे।
एंड कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा, ये भी उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। सिमिलरली कंसिडर वन मोर डायग्राम, अ सिमिलर काइंड ऑफ डायग्राम, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सो दिस इज वेक्टर ओ पी, या इसको आप लिख लो ए बार, और इसके कंपोनेंट्स है ए वन ए टू ए थ्री, फाइन। तो इसका मतलब ए बार को आप क्या लिख सकते हो, ए बार इज ए वन आई हैट ए टू जे हैट प्लस ए थ्री के हैट, ये ए वेक्टर हो गया। अब आप क्या करो, इसका डॉट प्रोडक्ट लो आई हैट के साथ, तो ये जो आई हैट वेक्टर है उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ए बार डॉट आई हैट, जब आप इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ पे ए वन निकल के आ जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड आई हैट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ए बार और आई हैट के बीच का एंगल, बट ये तो अल्फ़ा होता है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट इज़ अल्फ़ा, सो यहाँ पे आएगा कॉस अल्फ़ा। सो विल गेट ए वन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए, आई हैट का मैग्नीट्यूड वन होता है, यहाँ पे आएगा कॉस अल्फ़ा। तो ये जो ए वन एक्स कॉम्पोनेंट है, आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ए को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करो, तो आपको इसका एक्स कॉम्पोनेंट मिल गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए बार डॉट जे हैट, जब आप इसको जे हैट के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ पे ए टू आएगा, विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड जे कॉस, अभी देखो जे मतलब ये वाला वेक्टर, और इसका इसके साथ जो एंगल है दैट इज़ बीटा, तो यहाँ पे आएगा कॉस बीटा। मैग्नीट्यूड जे वन होता है, सो ए टू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए कॉस बीटा, एक और रिलेशन आ गया। तो अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैग्नीट्यूड ए को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करो, सिमिलरली अगर आपको ए थ्री चाहिए तो मैग्नीट्यूड ए को कॉस गामा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हैविंग सेड दैट, अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके इनको ऐड करेंगे तीनों को, तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ये टर्म्स आते हैं। बट व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर कॉमन निकालो, यू विल गेट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, एंड व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, इट इज़ सेम एज ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर, तो ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर को हम लोग मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये टर्म कैंसिल आउट होगा एंड यू विल हैव कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। कि ये जो वेक्टर है इसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर, ठीक है, वही हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्शन कोसाइंस है ये, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, कॉस अल्फ़ा को एल बी लिखा जाता है, कॉस बीटा को एम लिखा जाता है एंड कॉस गामा को एन लिखा जाता है, तो यहाँ से पता चलता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू वन। अगेन कंसीडर थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, दिस इज आई हैट दिस इज जे हैट एंड दिस इज के हैट। अगर आप ये वेक्टर देखो एक्स के डायरेक्शन का वेक्टर, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है ज़ीरो, इस वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना है 90 एंड इस लाइन का जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना है 90। तो एक्स एक्सिस जो होती है उसका अल्फ़ा बीटा गामा ये है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस डी सीज क्या होंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा 100। सिमिलरली अगर आप वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस निकालो तो वो आते हैं 010।
और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस अगर आप निकालो दे आर 001। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ लेट अस स्टडी द नेक्स्ट टर्म इन दिस, दैट इज डायरेक्शन रेशियोस। डायरेक्शन रेशियोस, तो एल एम एन ये डायरेक्शन कोसाइंस है। अगर आप उनको ऐसे तीन नंबर से डिवाइड करते हो ए बी सी सो दैट ये तीनों इक्वल बन जाए, तो ए बी सी को बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोस। सो दिस ए बी सी आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोस। तो डायरेक्शन रेशियोस क्या है, तीन नंबर्स है जिनको अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस के साथ डिवाइड करते हो रेशियो इक्वल बन जाए, ठीक है। नाउ लेट्स से दिस इज इक्वल टू लैम्डा, तो एल का वैल्यू होगा ए लैम्डा, एम का वैल्यू होगा बी लैम्डा, एन का वैल्यू होगा सी लैम्डा। अभी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू होगी प्लस माइनस वन बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये लैम्डा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो एल की वैल्यू आ जाएगी ए लैम्डा, ए इंटू लैम्डा इज प्लस माइनस बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या होगी, बी को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, बी लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू ये है एम इज बी लैम्डा, तो बी इंटू लैम्डा विच इज़ बी इंटू लैम्डा की वैल्यू है प्लस माइनस बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एन की वैल्यू क्या होगी, सी लैम्डा, एन इज इक्वल टू सी लैम्डा दैट इज सी इंटू प्लस माइनस बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो वी हैव गॉट एल एम एंड एन इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। मतलब अगर आपके पास डायरेक्शन रेशोस है ए बी सी है तो आप एल एम एन निकाल सकते हो, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो। ये एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशोस है। तो डायरेक्शन रेशोस से कोसाइंस को निकाला जा रहा है इस फॉर्मूले के थ्रू। अब इसमें एक लास्ट चीज़ आपको समझनी है, फिर से हम लोग वही ड्रॉ कर देते हैं, तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेट्स से वी हैव अ वेक्टर ओ ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है ए वन ए टू ए थ्री, इसका एंगल्स ऐसा है, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा और ये है गामा। अच्छा, तो हमने ये डिराइव किया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा ओ ए का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसा लिखते हैं ओ ए का मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है, एंड दिस वेक्टर इज़ ए बार सपोज करो। तो हमने ये डिराइव किया है कि ए वन इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस अल्फ़ा, ए टू हमने डिराइव किया मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस बीटा, एंड ए थ्री हमने डिराइव किया मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस गामा। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू एल, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एम, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू सॉरी दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू एल, दिस इज अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू एम कॉस बीटा मतलब एम, एंड दिस इज अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू एन। सो यहाँ से आप बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आप देख सकते हो, इस इन तीनों रिलेशन को हम लोग ऐसा लिखेंगे, वन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू एल अपॉन ए वन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट करो, ए टू को यहाँ पे शिफ्ट कर दो एम बाय ए टू एंड दिस इज एन बाय ए थ्री। एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस थे, नीचे ए वन ए टू ए थ्री दिख रहे हैं और तीनों रेशोस इक्वल बन रहे हैं, तो ये ए वन ए टू ए थ्री क्या होने चाहिए, डायरेक्शन रेशोस, ये डायरेक्शन रेशोस है। बट ए वन ए टू ए थ्री क्या है, ए बार के कॉम्पोनेंट्स, तो ए बार वेक्टर जो है इट इज़ ए वन आए ए टू जे ए थ्री के, तो ये वेक्टर था उसके ये कॉम्पोनेंट्स थे। हमने अभी प्रूव करके दिखाया कि उसके डायरेक्शन रेशोस होंगे
उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे ए वन ए टू ए थ्री, मतलब उसके कॉम्पोनेंट्स। तो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इट्स डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो वेक्टर उसके कंपोनेंट्स उसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ए हैट, हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वन आए, ए टू जे, ए थ्री के। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आएगा ए वन बाय मैग्नीट्यूड ए वन, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई हैट, ए टू बाय मैग्नीट्यूड ए जे हैट, ए थ्री बाय मैग्नीट्यूड ए के हैट। अभी ए वन बाय ए, यहाँ पे देखो ए वन बाय ए का वैल्यू क्या होगा, एल, तो यहाँ पे आएगा एल आई, प्लस ए टू का रेशियो ए बार के साथ, इस ए बार को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार को यहाँ पे नीचे, तो ए टू बाय मैग्नीट्यूड ए बार क्या होगा, एम, एंड ए थ्री बाय मैग्नीट्यूड ए, ए थ्री बाय मैग्नीट्यूड ए होगा एन। सो ए हैट यूनिट वेक्टर जो है, इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, उसके कंपोनेंट्स क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट्स है वो उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, और अगर आप उसका यूनिट वेक्टर निकालते हो तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शन कोसाइंस। फाइन, सो यहाँ पे ये जो थ्योरी है वो ख़त्म होती है इस चैप्टर की, मतलब 3D ज्योमेट्री की, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो सम्स है वो देखना स्टार्ट करेंगे।